नमस्ते मेरे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक SCL कंपनी के द्वारा एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, उस प्रोग्राम को लेके आया हूँ। इस प्रोग्राम का सबसे बढ़िया बेनिफिट ये होता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको 12th के बाद 100% जॉब मिल जाए, वो भी IT कंपनी के अंदर, तो ये प्रोग्राम ये इसीलिए ही डिजाइन किया गया है कि आफ्टर 12th जो बच्चे IT सेक्टर में जाना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए एक परमानेंट जॉब मिल जाएगी। तो अगर आपने ये IT का कुछ सपना देखा है तो ये आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा कि आप IT कंपनी की तरफ मूव करें और इस प्रोग्राम के अंदर एनरोल करें। ठीक है, तो इसकी सारी डिटेलिंग्स मैं आपको तसल्लीपूर्वक एक एक करके बताऊंगा। आप पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि इसकी ये प्रोग्राम की बेसिकली चीज़ें हैं क्या, और आपको एनरोल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आपका फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। बट एक फ़ायदा पक्का है कि आफ्टर 12th क्लास थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद आपको पक्का वो लोग अपनी ही कंपनी में जॉब पे रख लेंगे, जिसका नाम है SCL। ठीक है, SCL टेक कंपनी के द्वारा ही ये प्रोग्राम लेके आया गया है। तो आपको पहुंचना कैसे है, आपको सिंपल कुछ करना नहीं है। जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे, आप ये लिख देंगे SCL टेक 20 प्रोग्राम, क्योंकि इसका टेक 20 इस प्रोग्राम का नाम ही है। जैसे आप यहाँ पे लिखेंगे, चाहे पहले वाली या दूसरी वाली वेबसाइट पे, आपको ऐसे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप इस तरीके के पेज पे आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके के पेज पे आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टेक 20 के बारे में, सारी डिटेलिंग मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। ठीक है, SCL कंपनी बहुत बड़ी है, जानी मानी कंपनी है और बहुत सारी कंट्रीज में भी है। तो आप ये समझ के देखिए, इस कंपनी में जाना बहुत अच्छी बात हो सकती है अगर आप IT सेक्टर में जाना चाहते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके के पेज पे आ जाएंगे। तो अब इसे अप्लाई कौन कर सकता है, क्या क्या है, सारी चीजें एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले टेक 20 प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम के एडवांटेज क्या है। जो सबसे पहली एडवांटेज होगी कि आप फुल टाइम टेक कैरियर, मतलब आप फुल टाइम टेक कैरियर शुरू कर सकते हैं किसके अंदर, SCL के अंदर। आपको एक तरीके इस तरीके से सिखाया जाएगा, एक तरीके से ट्रेनिंग दी जाएगी कि आप फुल टाइम के लिए एक टेक इंजीनियर बन सकते हैं। ठीक है, तो इससे अगर आप 12th क्लास के बाद डायरेक्ट इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर लेते हैं तो आपका एक सॉलिड फाउंडेशन बनेगा, सॉलिड बेस बन जाएगा। ठीक है, दूसरा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आफ्टर 12th क्लास। दूसरी बात यह है कि जैसे ही आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिल जाएगी, 12th क्लास के बाद में ही आपको नौकरी लग जाएगी और ये आपको शुरू में ही सैलरी देना शुरू कर देंगे। तो 12th क्लास के बाद आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाएगी। अपॉर्चुनिटी टू अर्न डिग्री फ्रॉम द लीडिंग इंस्टीट्यूट, मतलब मान लीजिए आपने 12th क्लास के बाद इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर लिया, क्योंकि इस प्रोग्राम को सिर्फ 12th क्लास के बाद वाले ही स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आपने इस प्रोग्राम को 12th क्लास के बाद ज्वाइन करेंगे तो आपको लगभग एक साल का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाएंगे। कई बार एक साल का होता है, कई बार 8 महीने का भी हो जाता है। तो जब वो पहले आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाएंगे तब ये आपसे कुछ फीस लेंगे। तो उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को खत्म होने के बाद ये आपको अपने ही कंपनी में जॉब पे रख लेंगे। तो कहने का मतलब ये है, ये खुद ही आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम करवा रहे हैं, खुद ही ये अपनी कंपनी में ही रख ले रहे हैं। तो आप उसी कंपनी में परमानेंट एम्प्लॉय बन जाएंगे। बट अगर आप चाहते हैं कि 12th क्लास के बाद अगर मैं डायरेक्ट काम करने लग जाऊंगा तो मेरे पास हायर डिग्रीज नहीं आएगी, तो ऐसा नहीं है। ये SCL कंपनी आपको हायर डिग्री करने का भी मौका वहां पे दे दिया करेगी। यहाँ पे लिखा है ना, अपॉर्चुनिटी टू अर्न डिग्री फ्रॉम द लीडिंग इंस्टीट्यूट। तो ये लीडिंग इंस्टीट्यूट से आप कहाँ कहाँ से, कौन कौन से इंस्टीट्यूट से डिग्री कर सकते हैं। मान लीजिए आपने इस प्रोग्राम को किया, ट्रेनिंग कर ली और SCL कंपनी में आप परमानेंट एम्प्लॉय बन गए, बट उसके बाद आप कुछ और डिग्री करना चाहते हैं तो कौन कौन से इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं। बिट्स प्लानी से आप कर सकते हैं, IIM नागपुर से कर सकते हैं, MIT यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, KL यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं और शास्त्रा यूनिवर्सिटी से भी अपने अकॉर्डिंग कोई भी प्रोग्राम कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इस प्रोग्राम की ये है, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो जॉब ओरिएंटेड बनाया गया है कि आपको इसके बाद जॉब मिलना निश्चित है, जॉब मिलना तय है। तो ये आपको एक साल के लगभग में ट्रेनिंग करवाएंगे जिसमें वो 1,00,000 रुपए के करीब आपसे फीस लेंगे। उस ट्रेनिंग करने के बाद आपको ये इंटर्नशिप करवाएंगे, उस इंटर्नशिप में आपको 10,000 रुपया पर महीना देंगे। आफ्टर इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद, ट्रेनिंग पीरियड इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद, ये दोनों मिला के 1 साल लगेगा। उसको कंप्लीट होने के बाद ये आपको अपने कंपनी में ही परमानेंट एम्प्लॉय रख लेंगे, जिसमें ये आपको 2,25,000 पर एनम के हिसाब से सैलरी देंगे। मतलब आपको 15,000 से 20,000 के बीच में हर महीने आपको सैलरी दी जाएगी जब आप ट्रेनिंग पीरियड को कंप्लीटली क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तो इस हिसाब से आपको ये यहाँ पे बातें हैं। तो मैंने ये आपको बता दिया है, 3 चीजें बेस्ट है कि आपका कैरियर में आपको ये खुद ही ट्रेनिंग करवा देंगे। दूसरी बात, ये आपकी 12th क्लास के बाद ये आपको परमानेंट जॉब लग जाएगी तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और आप हायर डिग्री भी कर सकते हैं। ये 3 चीजें हैं जो आपको बेनिफिट प्रोवाइड करेगी। ठीक, यहाँ पे इनके बारे में लिखा गया है, इन कंपनी के बारे में लिखा गया है।
कि कैसे है और क्या क्या तरीके से, आप देख लीजिए ये जो टेक 20 का प्रोग्राम है कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, इंडिया में, श्रीलंका में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, वियतनाम में, अमेरिका में, कनाडा में और बहुत जगहों पे ये प्रोग्राम चालू है, ठीक है ना। तो आप ऐसा मत सोचे कि ये इंडिया में चला, ये बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है। आगे चलते हैं जरा। अब सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कि इसे कौन कौन अप्लाई कर सकता है। देखिए सबसे पहले अप्लाई करने की कंडीशन देख लीजिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा। पहली बात, अगर किसी ने अपने 12th क्लास में मैथमेटिक्स या बिजनेस मैथमेटिक्स पढ़ रखा है और उसमें मिनिमम 60% मार्क्स हैं तभी वो अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब है आपको 60% 12th क्लास में आनी चाहिए और आपने मैथमेटिक्स पढ़ा होना जरूरी है, या मैथमेटिक्स या बिजनेस मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ हो तो आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। और दूसरी बात इन्होंने यहाँ पे लिखी है कि आपको इंडियन रेसिडेंट ही होना पड़ेगा और 12th क्लास आपने कब पास करी हो, या तो 2022 में पास आउट हो या 2023 में पास आउट हो तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। 2022 वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, 2023 वाले भी इसे अप्लाई कर सकते हैं, तो जिन्होंने पिछले साल पास किया वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर 12th क्लास, ठीक है। अगर कई बच्चे होते हैं कि उनके पास दो दो मार्कशीट होती है कि पहली बार उन्होंने बोर्ड का एग्जाम दिया अच्छे मार्क्स नहीं आए, सेकंड बार उन्होंने इंप्रूवमेंट दिया उसमें ज्यादा अच्छे मार्क्स आए, तो जो सेकंड बार की मार्कशीट है आपको उसको लगा देना है, उसमें मार्क्स देखने आपके 60% हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं बोर्ड एग्जाम में, तो आप अप्लीकेबल कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए इन्होंने ना तीन चीजें लिखी है, अगर आप अप्लीकेबल हो जाते हो तो आपको तीन चीजें करनी पड़ेंगी। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सबसे पहले आप रजिस्टर करेंगे, फिर एचसीएल कैट टेस्ट देंगे। एचसीएल कैट टेस्ट के अंदर क्या होता है, उसमें कुछ मैथमेटिक्स और रीजनिंग पूछते हैं, तो एक एचसीएल कैट टेस्ट होगा रजिस्ट्रेशन के बाद, उसके बाद आपका वर्सन टेस्ट होगा, इसमें मतलब आपकी स्पीकिंग इंग्लिश को चेक करेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज को बेसिकली चेक करेंगे थर्ड टेस्ट में, और फोर्थ में आपका इंटरव्यू हो जाएगा। तो टोटल मिला के आपको मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग का टेस्ट देना है और इसमें इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट देना होगा और एक फेस टू फेस आपका इंटरव्यू हो जाएगा। तो उन्होंने एक बहुत बहुत बेहतरीन बात लिखी हुई है कि अगर आपने जेई मेन का एग्जाम दिया है और जेई मेन के एग्जाम में आपके 80% से ज्यादा है तो आपको एचसीएल कैट टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इंग्लिश का टेस्ट देके इंटरव्यू देके आप इस प्रोग्राम में सिलेक्शन ले सकते हो, ठीक है। तो जिन बच्चों ने जेई मेंस का एग्जाम दिया हुआ है उसको और 80% से उसमें ज्यादा है तो उन्हें एचसीएल कैट का टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। बाकी बच्चे जिन्होंने दिया है पर 80% से कम है, या जिन बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ रखा है 12th क्लास में उसमें 60% से मार्क्स ज्यादा है तो आपको डायरेक्ट पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, एचसीएल कैट टेस्ट देना होगा, वर्सन टेस्ट देना होगा, फिर इंटरव्यू देना होगा। तो ये बेसिकली तीन एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस के जरिए वो आपका सिलेक्शन कर लेंगे, ठीक है ना। अब देख लीजिए अलग अलग स्टेट में ना अलग अलग मार्क्स चाहिए, ऐसा नहीं कि सबके लिए कॉमन 60%, ऐसा नहीं है। देखिए अगर आप आंध्र प्रदेश और NIOS से हैं, तमिलनाडु से हैं, तेलंगाना से हैं तो आपको मिनिमम 75% मार्क्स होना चाहिए 12th क्लास में। अगर आप CBSE से हैं, उड़ीसा कर्नाटका से हैं तो आपको 70% मार्क्स होना चाहिए। तो अगर आप आसाम ये देख लीजिए तो उसमें 65 होना चाहिए। अगर आप इतने इन स्टेटों से हैं तो आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। तो आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उतने परसेंट मार्क्स आपके अगर बोर्ड एग्जाम में हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप अप्लाई करेंगे ना आपको दो चीजें देखी जाएंगी। पहला एक आईटी सर्विसेज होता है, देखो आईटी सर्विसेज में जो आपको करवाई जाएगी उसमें आपके प्रोग्राम फीस लगेगी 1.10 लाख रुपीस लगेगी, लगभग 1 लाख से थोड़ा सा ज्यादा है। तो आपकी जो ये ट्रेनिंग करवाएंगे, आप पहले समझ लीजिए ये ट्रेनिंग करवाते हैं, उस ट्रेनिंग की ये फीस लेते हैं, उनकी फीस है 1.1 लाख। अगर कोई इतना नहीं दे सकता है तो वो लोन भी ये प्रोवाइड करवाते हैं इंस्टॉलमेंट में भी, जैसा भी होगा आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे फीस के टाइम पे आप वहां पे बात कर सकते हैं। और पहले ही जब आप आईटी सर्विस की ट्रेनिंग लेंगे 1.10 लाख आपको देना पड़ेगा, और जैसे ही आपकी आईटी सर्विस की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आप जैसे यहाँ पे परमानेंट एम्प्लॉय बन जाएंगे और वो आपको 2.20 लाख पर इनम सैलरी देना शुरू करेंगे, मींस एक महीने का 15 से 20 हजार के बीच में आपका पड़ेगा, ठीक है ना। तो बस ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और दूसरा है डिजिटल प्रोसेस सपोर्ट है। दूसरा अगर प्रोग्राम आप करेंगे डिजिटल प्रोसेस सपोर्ट प्रोग्राम में आप इनरोल होते हैं तो उसकी फीस 51,000 रुपए होगी और स्टार्टिंग सैलरी होगी आपकी 1.70 लाख पर एनम, ठीक है ना। तो इस तरीके से बेसिकली इन्होंने दो प्रोग्राम रखे हैं, एक आईटी सर्विसेज रखा हुआ है, एक डिजिटल प्रोग्रेस सपोर्ट रखा हुआ है। तो इन दोनों प्रोग्राम में पहले आपको ये ट्रेनिंग करवाएंगे, तो ट्रेनिंग की इन्होंने फीस भी बता दी है, ट्रेनिंग के बाद ये अपने ही कंपनी में आपको जॉब पे रख लेंगे, उसकी सैलरी भी इन्होंने यहाँ पे बता दी है। और क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए, 12th क्लास में 60% मार्क्स होने चाहिए,
और आपका मैथमेटिक्स पढ़ा होना जरूरी है, बस यही इनकी क्वालिफिकेशन की मार्क्स है। और अगर आपने जेई में 80% से ज्यादा लाए हैं तो आपको तीन सिलेक्शन प्रोसेस में दो टेस्ट देने होंगे, एक एससीएल कैट और एक वर्सेंट और एक इंटरव्यू। तो अगर आपके जेई में 80% से ज्यादा है तो आपको एससीएल कैट टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट वर्सेंट में अप्लाई करके इंटरव्यू करके डायरेक्ट इस ट्रेनिंग के लिए एनरोल कर सकते हो, ठीक है। तो यही सारी बात है। अब आपको रजिस्टर कैसे करना बता देता हूँ। ये रहा आपका रजिस्टर होना, आपको अपना नाम, इंटर, ईमेल आईडी और ये सब आप फेसबुक अकाउंट बनाते ना जैसे, वही सब सारी चीजें हैं, ये सब आपको भर के रजिस्टर पे क्लिक करना है। आपके ईमेल आईडी पे एक पासवर्ड आ जाएगा और आईडी आ जाएगी जिससे आपको दोबारा से लॉगिन करना होगा और अपने पूरे फॉर्म को अच्छे तरीके से भरना होगा, अपनी क्वालिफिकेशन, एड्रेस, जो जो पूछेंगे आपको तसल्ली पूर्वक वहां पे भरना होगा, ठीक है ना। तो बस यही इन सब की चीजों की बात है। तो आप 12th क्लास के अगर पास आउट हैं पिछले 2022 या 2023 में तो आप इस प्रोग्राम को एनरोल कर सकते हैं। ये प्रोग्राम दो तरीकों से होता है, देखिए एक आईटी सर्विसेज वाला प्रोग्राम है और दूसरा है डिजिटल प्रोसेस सपोर्ट। अगर आईटी सर्विसेज में जाएंगे तो आपको 1.10 लाख फीस लगेगी और स्टार्टिंग सैलरी होगी 2.20 लाख, और अगर आप डिजिटल प्रोसेस सपोर्ट में जाएंगे तो आपकी ये लोग जो फीस लेंगे आपसे 51,000 और आपको उसी कंपनी में जॉब दे देंगे 1.7 लाख से। तो एक तरीके से आप ये समझ लीजिए, इस प्रोग्राम को करने के बाद 100% निश्चित है कि आपको जॉब मिलनी ही है, ठीक है सरकार। तो इस बात का आप ध्यान में रख लीजिए। बाकी आप कोई भी कोर्स करते हैं पता नहीं जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, ये करेंगे तो निश्चित है क्योंकि यही लोग खुद आपको ट्रेन करेंगे और यही लोग खुद आपको अपनी ही कंपनी में रख लेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा बेहतरीन मौका है, अगर आप सोच रहे हैं तो अप्लाई कीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है इस चीज़ों से रिलेटेड तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और आप अपने दोस्तों को या आपके घर में छोटा भाई बहन है जिसने अभी 12th पास आउट किया है और उसे अपने कैरियर को लेकर कोई भी परेशानी है, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान होते हैं कि कौन सा कोर्स करे जिसमें जॉब मिले, कौन सा कोर्स करे जिसमें ढेर सारा पैसा आए, तो आप इसको ये कोर्स सजेस्ट कर सकते हैं, अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस कोर्स में। आप अगर चाहें तो इसे अप्लाई कर सकते हैं, बाकी आप देख लीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो मैं आप कमेंट कीजिए, मैं आपको यहाँ पे कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। और अगर आप चाहते हैं तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बिकॉज ऐसे ही और भी ढेर सारी मैं न्यूज़ आपके लिए या इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आता रहूँगा। मिलते हैं किसी और इंटर्नशिप में।